हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आपको टाइटल देख के तो समझ में आ गया होगा कि आज का जो ब्लॉग है वो किससे रिलेटेड है। तो फिर आज हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रिज़ल्ट, क्योंकि बहुत टाइम से जो उम्मीद थी, मतलब मेरे जो पीरियड मिस हुए थे वो बहुत टाइम हो गया अभी तक में देखा जाए तो, क्योंकि मेरे पीरियड जो है वो 24 को आते हैं, लेकिन आज जो है वो 10 तारीख हो गया। आज है 10 दिसंबर। तो देखते हैं, क्योंकि मुझे जो है इतने टाइम से लग रहा है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मतलब फील भी मुझे वैसा ही हो रहा है कि जो फील होता है फर्स्ट मंथ में, तो मुझे वो सब हल्का ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन वो तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो आज मैं सोची कि आज मैं टेस्ट करती हूँ और फाइनली मैं बताती हूँ कि आज मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो फील तो मुझे हो रहा है कि हाँ मैं हूँ, लेकिन अभी जाने के बाद पता चलेगा। तो अभी मैं जाती हूँ और टेस्ट करके आप सभी को बताती हूँ कि पॉजिटिव निकला या नेगेटिव निकला, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि हाँ पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि फील जो हो रहा है मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज ही मैं पहला टेस्ट कर रही हूँ। पहला टेस्ट है इतने टाइम बाद, मतलब अब शादी को 1 साल होने वाले हैं, और मतलब जनवरी में हमारी शादी हुई थी और अभी चल रहा है दिसंबर। तो ये जो न्यूज़ मिलेगी बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी। तो अभी जाती हूँ जल्दी से और टेस्ट करके आप सभी को बताती हूँ। सो फ्रेंड, मैंने टेस्ट करने के लिए ये लाया हुआ है प्रेगर न्यूज़, तो अभी टेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या आता है रिज़ल्ट। सो मैं हूँ एक्साइटेड बहुत ज़्यादा, तो अभी जाती हूँ जल्दी से टेस्ट करके आप सबको गुड न्यूज़ देती हूँ। सो फ्रेंड, फाइनली मैं टेस्ट करके अभी आई हुई हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा अभी डर लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि रिज़ल्ट में क्या निकला। तो पॉजिटिव निकली, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। पॉजिटिव निकला, वाकई पॉजिटिव निकला। और इतने डार्क लाइन है, आप देख सकते हैं इतने डार्क लाइन है। फाइनली मैं प्रेग्नेंट हूँ। जी सच में यकीन नहीं हो रहा है अभी कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जो फील हो रहा था वो सच है, सच में, क्योंकि आप अच्छे से गौर से देख सकते हो ये डबल लाइन है। अब मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि जो मम्मी बनने की जो खुशी होती है वो बहुत ही अलग खुशी होती है। तो मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे अभी कितनी खुशी हो रही है। और ये खुशी जो है मैं जल्दी से इनको देना चाहती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी मैं इतनी आसानी से नहीं देने वाली, क्योंकि इतनी बड़ी जो गुड न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ है। तो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ यार, सच में प्रेग्नेंट हूँ, तो इतनी बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो मैं इतनी आसानी से नहीं दूंगी। उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करती हूँ और सोचती हूँ कि उनको ये इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मैं कैसे सुनाऊँ। लेकिन भगवान जी, थैंक यू भगवान जी का बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने मुझे मम्मी बनने का मौका दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पहले तो मैं जाती हूँ उनके लिए सरप्राइज़ प्लान करती हूँ, क्योंकि मुझे बताने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, क्योंकि अब मेरे पेट में बात नहीं रुकने वाली, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो मुझे तो अभी डांस करने की इच्छा हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं डांस करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ।
मेरी जिंदगी सफल हो गई। सिर्फ फ्रेंड डांस करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अपनी खुशी में कैसे बताऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि क्या बताऊँ। और ये जो सांस फूलना है वो भी एक सिम्टम है, क्योंकि बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सांस फूल जाता है जल्दी। तो 2 मिनट तो मैं इतना ज़्यादा डांस भी नहीं कर सकती, जो कि मैं पहले बहुत ज़्यादा डांस करती थी। तो ये जगड़नेस मिला है सुबह सुबह, अभी तक सूरज जी भी नहीं बता रहे क्योंकि बदली छाई हुई है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि सबके सब भी खुश होंगे, क्योंकि मैंने पहली बार टेस्ट किया और पहली बार मेरा पॉजिटिव आया है। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे इनको भी बताने की और घर में सबको बताने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बताने के लिए कि मैं अब भी जाऊँ और अभी बता दूँ, मुझे इतना मन कर रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, इतनी आसानी से नहीं बतानी चाहिए ना इतनी बड़ी गुड न्यूज़। तो अभी जाती हूँ और जल्दी से कुछ सरप्राइज़ प्लान करती हूँ, और इनको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देती हूँ। सब फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी अभी अभी नहा के, और धूप भी आ रही है बहुत अच्छी, हल्की हल्की तेज धूप है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मेरे दिमाग में बस यही एक बात चल रहा है, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये गुड न्यूज़ कैसे दूँ, क्या सरप्राइज़ प्लान करूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जल्दी से जल्दी मैं कुछ प्लान करती हूँ, क्योंकि मुझे अब बताने की बहुत इच्छा हो रही है। तो जाती हूँ मैं जल्दी से, कुछ ना कुछ प्लान करती हूँ। सब सब पकौड़े खा रहे हैं, चाय पकौड़े, और सबसे ज्यादा गोरी मैं दिख रही हूँ। हम दूर है कैमरा से, इसलिए हम दूरी सही थे कैमरा से। तो फ्रेंड, मैंने ना सरप्राइज़ प्लान करने के लिए जो तैयारी करने का जो मैं सोच रही थी ना, उसके लिए ना मैंने अभी 2 पेपर ला ली हूँ। ये 2 पेपर, एक में मैं कुछ और लिखूँगी और एक में मैं कुछ और लिखूँगी, तो मैं अभी वो दिखाती हूँ। सो फ्रेंड, मेरा जो सरप्राइज़ है वो रेडी है। तो अभी बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं, तो मैं अभी अभी नहा के जैसे आएंगे मैं उनको सरप्राइज़ देने के लिए सारी तैयारी कर ली हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो मैंने 2 पेपर में कुछ कुछ लिखा है जो कि मैं उनको दिखाने के बाद दिखाऊंगी, और दूसरा मैंने यहाँ छुपा दिया है, इसके मैंने इसके नीचे ये छुपा दिया है, दूसरा मैंने इसके नीचे छुपा दिया है, और तीसरा मैंने इसके पीछे छुपा दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं भी छुपा छुपा के रखी हूँ, ताकि वो जैसे आएंगे जल्दी से, तो मैं ये सारी चीज़ें उनको जल्दी से दिखाऊंगी और बताऊंगी उनका कि कैसा लग रहा है। तो एक चीज़ और अच्छी हुई कि आज मैं मार्केट आ गई, तो अच्छा है कि मुझे ये बेबी के शूज मिल गए, तो इनको सरप्राइज़ देने में और अच्छा लगेगा, क्योंकि पिंक कलर ही ली हूँ मैं, क्योंकि जो भी हो, चाहे बॉय या गर्ल हो, जो भी हो, तो पहन ली गई यार, छोटे बच्चे लोग को थोड़ी ना पता होता है कलर कौन सा है कौन सा नहीं है, तो मैं भी ये वाला ली हूँ, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड, सुबह से लेकर शाम हो गए, 6 बजने को आ गए, लेकिन मैंने अभी तक इनको नहीं बताया। आई थिंक इनको आइडिया हो गया है कि मैं इन्हें क्या सरप्राइज देना चाहती हूँ, पता नहीं कैसे, लेकिन आइडिया तो हो गया है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हाँ मुझे पता है। लेकिन मैं सुबह देने वाली थी, सुबह सरप्राइज़ देने वाली थी, बताने वाली थी, लेकिन नहीं बता पाई, क्योंकि इनको बाहर जाना था, जल्दबाजी थी, तो मैं नहीं बता पाई। आज दिन भर वो अपने काम से बाहर थे, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो वो भी मेरे दिमाग में कुछ दूसरा प्लान आया कि मैं इन्हें और कैसे सरप्राइज़ दे सकूँ। तो ये रहा बॉक्स, मैंने इसमें कुछ सरप्राइज़ प्लान किया हुआ और इसे पूरे रबड़ से कवर कर दिया है। अभी मैं इसे पैक कर दूँगी और इसी के ज़रिए मैं बताऊँगी फिर। क्या है ये बताना, ये मम्मी तरफ से आप
ये करते हैं। हाँ तो आप खाओ ना, तो मैं देखूंगी। आप खाओ ना, क्या पता मेरे मुंह में मक्का पड़ जाए ऐसे। तो ये पैकिंग से तो मेरी गलती पैकिंग आ गई है। Hi daddy, I can't wait to meet you, I love you. इस पल को क्या नाम दो है? कमाना पड़ेगा बहुत सारा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अलग। नहीं रियली बताना कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत अलग लग रहा है।
अनएक्सपेक्टेड टाइप एकदम ये इसको छोड़ो ना इसको छोड़ो ना हाथ ऐसे करे ऐसे करे हाथ ऐसे करे ऐसे अरे बाप रे इतना छोटा सा यार नहीं तो ये बेबी की तरफ से मैसेज है। हां बेबी की तरफ से मैसेज है ये दे आप पढ़ के सुना दो बेबी की तरफ से हाय डैडी आई कांट वेट टू मीट यू आई लव यू। हां मीट कर रहे हैं हेलो बोलो इसको हेलो बोलो हेलो 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 मोटू अरे बहुत अजीब लग रहा है छोटा सा एकदम उसके पैर देख रहे हैं एकदम तो पापा पापा बन जाते हैं लोगों कमाने तो बहुत कमाने आते हैं तुझे हाँ ये आपको तो मुझे बहुत दिन से अंदाजा था अंदाजा तो मेरे को भी था लेकिन जब मैं टेस्ट करी ना तब मेरे को अलग ही We are pregnant. कटोरी लड़की एकदम ये तो कटोरी से एक चम्मच और हो गई है कटोरी कुछ एक कटोरी एक चम्मच हो गई मुबारक हो आपको एक कटोरी के साथ चम्मच फ्री तो उसको सील करके रख लो
ठीक है।